नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मैं दीपक भारद्वाज आज आपसे रूबरू करा रहा हूं एक शख्सियत को, भारत भूषण बत्रा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा यह दावा करती है कि हम बिना भेदभाव विकास कार्य करवाते हैं, तो भारत भूषण बत्रा रोहतक विधानसभा से विधायक है, कांग्रेस पार्टी से वो जनप्रतिनिधि हैं। उनसे बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकार है, JJP भी उसमें शामिल है, उनके दावों में कितनी सच्चाई है। बत्रा जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार ये दावा करती है कि हम लोग बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य करवाते हैं और रोहतक शहर में हमने बहुत से विकास के काम करवाए हैं, तो वास्तविक स्थिति क्या है? आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको क्या लगता है कि उनके दावों में कितनी सच्चाई है? दीपक जी, सबसे पहले तो एक सरकार विफल सरकार है और मैं इस बात की भी संज्ञा दूंगा कि एक विफल मुख्यमंत्री है। कोई लोगों के ग्रीवेंसेस का नौकरशाही के ऊपर सरकार अपना कंट्रोल खो चुकी है। रोहतक के अंदर पिछले 2 साल के अंदर कोई भी नया विकास कार्य इस सरकार ने नहीं किया है। ये सरकार का ये गलत सरकार की तरफ से ये घोषणा है या धारणा है कि समान विकास की वो बात करते हैं, और जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं उनका भी बहुत बड़ी दुर्दशा है। मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ, मैं उसको रिपीट करने की मंशा से नहीं कह रहा, शहर के अंदर एक 90 फुट का एक चौड़ा सड़क आती और एक माल रोड बनती, शहर का नक्शा बदलता और जो कॉलोनियां उस रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द थी उनकी और लोगों की बहुत बड़ी समृद्धि होती है। जिस गांधी कैंप की उत्थान की या जिसकी डेवलपमेंट की बात करते हैं, गांधी कैंप और ट्रैक के नज़दीक में जितनी भी कॉलोनियाँ हैं उनका भट्ठा बैठ गया है। लोगों के को दोबारा रिहेबिलिटेट करने की दूर की बात है, एक गैर कानूनी ढंग से लोगों को वहाँ से उजाड़ा गया। जो लोग 50 साल से वहाँ पर बैठे थे, मार्केट थी, उनकी दुकानें थी, उनको वहाँ से उजाड़ दिया गया और नई जो पॉलिसी बसाने के लिए आए हैं उसका मेरे को कोई नज़र आ नहीं रहा कि क्या सरकार की पॉलिसी है। सरकार रोज़ अपनी पॉलिसीज की, अपने डिक्लेरेशन को रोज़ चेंज करती है और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत कम मुआवजा जिनको उजाड़ा गया, जिनकी दुकानें तोड़ी गई उनके मुआवजा, और जो अब जहाँ पर दुकान अलॉटमेंट की बात करते हैं उसके रेट में बहुत बड़ा अंतर सरकार दर्शा रही है। हालांकि और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिन लोगों के वहाँ पर कब्जे थे और मिल्कियत थी उसको भी नज़रअंदाज किया गया है। आपको अगर दीपक जी मौका लगे तो आप वहाँ पर देखो कितनी बड़ी बुरी तरह दुर्दशा है। बत्रा जी, रोड बनाने की, जैसे आपने कहा कि माल रोड एक बनना था जब दीपेंद्र हुड्डा ने कि ये प्रोजेक्ट लागू करवाने की कोशिश की थी कि ये बाईपास बन जाता, तो रोड निकालने की बात तो अब भी की जा रही है कि जो ट्रैक बना है, जो एलिवेटेड रेलवे ट्रैक है उसके नीचे से एक रोड बनाने की बात की जा रही है। बड़ा अच्छा सवाल पूछा दीपक जी, दीपक भारद्वाज जी।
शिफ्टिंग और एक एक को ट्रैक को एलिवेट करना, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। और सिर्फ 30 फुट की कुछ एरिए के अंदर रोड आएगी, उस 30 फुट की रोड से एक आवागमन होगा, कोई वहाँ पर माल लोड नहीं बन जाएगा, ना ही कोई मार्केट इस्टेब्लिश होगी। और मैं दावे से कहता हूँ कि अगर यहाँ पर 90 फुट की सड़क बनती तो गांधी कैंप के लोगों की किस्मत बदल जाती। आज वहाँ पर एक समृद्धि होती, जो साथ में दुकानदार या आखिर दूर दूर तक मार्केट डेवलप होती, और उन लोगों का बहुत एक साधन संपन्न वही लोग होते। इस बात के लिए एक 30 फुट की सड़क निकालने से, और वो भी धक्के खा रही है, वो भी कम निकलेगी, क्या निकलेगी, किस हिसाब से होगा, उसके ऊपर तो मार्केट तो बनने से नहीं किसी हालत में, तो एक आवागमन के लिए की हुई है। और परली तरफ भी एक 15 फुट का ट्रैक निकाल रहे, रोड निकालने की बात करते हैं, उसकी कोई पॉलिसी नहीं है, कुछ नहीं है। कैसे किसी व्यक्ति की ज़मीन आप कैसे किस हिसाब से एक्वायर करोगे, उसकी कंसेंट चाहिए, और लोग कंसेंट देने को तैयार नहीं है किसी हालत में। दुकानें भी बनाई जा रही हैं, और यहाँ पावर हाउस पे उन लोगों को दुकानें देने का प्लानिंग चल रही है। क्या दीपक जी आपने उन दुकानों का देखा है? वो तो एक चिड़ियाघर की तरह एक कमरे से बना दी गई है। एक मार्केट जो बनती है, मार्केट का एक प्रारूप होता है, एक नक्शा होता है, ढंग से मार्केट का होता है। छोटी छोटी दुकानें बना के आगे 3 फुट का कॉरिडोर रख के, और जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर दुकानें होंगी उसमें किस हिसाब से वो दुकानें चलेंगी, आवागमन, दुकान के सामने तो पैदल जाने का रास्ता भी बड़ा संकरा है, तो मार्केट कैसे चलेगी, कब होगी, अभी तक तो इसकी पॉलिसी डिसाइड नहीं की इन बात के लिए। और एक बात और भी है, सबसे बड़ी बात जो मैं तो चलो इस बात को आपके सामने, ये बात मैंने रखी रेलवे ट्रैक वाली जो रखी, इसके अलावा भी सारे हर एक काम के लिए भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा बोलबाला है। निगम ने रोहतक के डेवलपमेंट के बारे में हाथ खड़े किए हुए हैं, क्या कारण है, क्या रीज़न है, सरकार की तरफ से इनको पैसा क्यों नहीं मिलता, और उसके बाद खड्डों का शहर हो गया है। मास्टिक लेयर डाली जाती है, 2 साल के बाद उड़ जाती है सड़कों का पता नहीं लगता। सीवरेज व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। पानी पहली बार मैंने अपने जीवन में देखा, आज़ादी के बाद हमने देखा कि पानी की किल्लत के साथ गंदा पानी आ रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा क्रूर मजाक है लोगों के साथ कि भारत, आज़ाद भारत के अंदर, एक स्वतंत्र भारत के अंदर, एक आज़ादी का जो हमने सपना देख के, और उसमें आज़ादी में हमें स्वच्छ पीने का पानी ना मिले, तो पॉल्यूशन बड़ा बुरी तरह फैला हुआ है, ये कुछ है। और पिछली बार आपने देखा कि कॉरपोरेशन के अंदर भी मीटिंग हुई, और वही जुगनी सरकार के पार्षदों ने मीटिंग का बायकॉट किया कि हमारे कोई काम नहीं होते, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होता, कुछ नहीं करते, तो किस बात का सम्मान, विकास की, जो बराबर विकास की बात कहाँ से करते हैं। इस बात के लिए क्या जो गुड़गांव में रोज़ मुख्यमंत्री वहाँ पर अपना डेरा लगा के विकास की बात करते हैं, क्या रोहतक के अंदर विकास हो रहा है? क्या करनाल के अंदर जो विकास कर रहे हैं, क्या रोहतक के अंदर विकास कर रहे हैं? जानबूझ के राजनीतिक तौर पे इसको यहाँ पर काम नहीं किए जा रहे। बत्रा जी, सत्ता आपकी भी रही लगातार, कांग्रेस पार्टी का 2 प्लान शासन रहा, रोहतक शहर आपने देखा, अभी बरसात का मौसम गया है, हमारे शहर में जो मेन पॉइंट अगर हम बात करें, छोटराम चौक है, शांतमई है, ये ऐसा एरिया है जहाँ पे 1995 में शायद 8-8 फीट के करीब पानी था। आपने भी वो चीज़ देखी है, सत्ता आपकी भी रही, उस चीज़ का सॉल्यूशन आज तक क्यों नहीं हो पाया? बरसात होती है वहाँ पर भी 4-5 फीट पानी हमेशा भर जाता है। जी, ये बात आपने जो कही है, 4 फुट 5 फुट की पानी या 2-3 फुट की पानी इसी पिछले 2 सालों में आया है,
दस साल में जिसका निदान लगा, कहाँ पानी इकट्ठा होता था सारे रोहतक का। रोहतक आपने भी देखा, मैंने भी देखा, 1995 का मंजर आपने भी देखा, मैंने भी अपनी आंखों से देखा और हमने भुगता भी सही। और उसके बाद एक व्यवस्था के साथ एक पानी की समस्या का समाधान हुआ और छोटरम पार्क में बिल्कुल पानी खड़ा नहीं होता था किसी हालत में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में, चाहे सुभाष रोड की बात करें, चाहे सिवल रोड की बात करें, चाहे राड वाले रोड की बात करें, चाहे झज्जर रोड की बात करें, हम रेल रोड की बात करें, मालगुदाम रोड की, कहीं पर कोई पानी नहीं खड़ा होता था। और एक एक एक, एक रोहतक शहर तो एक सुंदर शहर था, लोगों को रोहतक से ईर्ष्या होने लग गई थी, हद से ज़्यादा ईर्ष्या भी इस बात के लिए करते थे। हालांकि उस टाइम भी हुड्डा साहब ने भी सब जगह बराबर विकास किया, समान विकास किया, चाहे पंचकुला की बात करें, चाहे हम करनाल की बात करें, चाहे फरीदाबाद की बात करें, चाहे महेंद्रगढ़ की बात करें, चाहे गुड़गावा की बात करें, सब जगह है। पर इस टाइम जो सिस्टम फेल्योर है या कुछ है, और एक श्रीमान जी कह रहे थे कि मैंने 15 करोड़ रुपए खर्च किए, वो कौन से 15 करोड़ कहाँ पर खर्च किए थे, तो कोई समझ से परे की बात थी या कुछ है। और वहाँ पर इस बार जो पानी के अंदर कुछ भी सब कुछ सिस्टम अस्त व्यस्त हुआ, उसके बारे में प्रशासन को स्पष्ट रूप में बताना चाहिए किस बात के लिए कहाँ पर फेलियर हुआ। हमने तो अपने टाइम में इसका समाधान किया और समाधान हुआ और लोगों ने रिलीफ भी महसूस किया। बत्रा जी, कई जगह और है, हम बस स्टैंड के पास, पुराना बस स्टैंड से अगर आगे जाते हैं तो हिसार रोड के हालात ज्यों के त्यों हैं जैसे पहले हुआ करते थे। अगर हम माता दरवाजे की तरफ जाते हैं उस सड़क के हालात भी ज्यों के त्यों हैं जैसे पहले हुआ करते थे। और बहुत सी ऐसी सड़कें हैं शहर के अंदर जिनके हालात ज्यों के त्यों हैं, उनमें बदलाव नहीं है। आप जनप्रतिनिधि है, क्या उन चीज़ों को भी देखने की जिम्मेवारी, आप पहले भी रहे हैं तो उन चीज़ों की भी जिम्मेवारी बनती है। दीपक जी, आपने क्या देखा नहीं कि जो सर्कुलर रोड बस स्टैंड के पास है, इतनी अच्छी सर्कुलर रोड हमारे टाइम में बनी। आपने देखा नहीं कि 60-60 फुट रोड की बाबा कपिलपुरी के आश्रम तक कितनी चौड़ी सड़क और कितनी बड़ी कंक्रीट की सड़क बनी। उससे पहले बाद गौड़ ब्राह्मण के नेक्स्ट सड़क पे जहाँ पर पुलिस थाना है, सदर थाना है, उसके साथ में सड़कें सारी फर्स्ट क्लास हमारे टाइम में बनी। कहाँ पर इस टाइम तो सड़कें कोई बनी नहीं है, उस समय सारी व्यवस्था ठीक थी, सब कुछ ठीक थी। हिसार का इट्स ए सिटी ऑफ फ्लाईओवर था, हमने भिवानी रोड का फ्लाईओवर बनाया, हमने झज्जर रोड का फ्लाईओवर बनाया, हमने यूनिवर्सिटी के बाद में फ्लाईओवर बनाया, हमने हुड्डा कम्प्लेक्स के सामने उसका 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 फ्लाईओवर बना, हमने अपना सर्कुलर रोड के ऊपर पुरानी ITI जो थी वहाँ पर फ्लाईओवर बना। कहाँ पर कमी कहाँ पर थी, जनता कॉलोनी में कितनी बड़ी राहत मिली इस बात के लिए। आपके सामने देख रहे हैं कि हमने अपने टाइम में प्रोजेक्ट किया कि रोहतक की मार्केट शिफ्ट हो, उसी मार्केट शिफ्ट के इतना लंबा टाइम लगा रहे हैं किस बात के लिए। प्रोजेक्ट हमारे टाइम में फाइनल हो गया, जमीन एक्वायर होगी, डेवलपमेंट मार्केट की बात कर, हाँ नचली शहर का कंजेशन तभी दूर होगा। शहर का कंजेशन जो रेलवे रोड पे, रेलवे रोड नहीं, जो सुभाष रोड पे कंजेशन है, जो सिवल रोड पे है, जो हिसार रोड पे है, जो मालगोदाम रोड पे है, या झज्जर रोड पे काठमंडी है, या झज्जर रोड से पहली तरफ टिम्बर मार्केट है, ये सभी शिफ्ट होंगी तो शहर में एक ट्रैफिक का। आज मैं अभी थोड़ी देर पहले आ रहा था, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, तब देखो सुभाष रोड सारा जाम से ग्रस्त था। इस बात के लिए समाधान तो नेचुरली है कि एक VN थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, और हमने एक सिस्टमेटिक ढंग से हमने इस बात का फैसला किया और उस बात के लिए कि मार्केट सारी बार होनी चाहिए। उसी में ही दुनिया भर के पेच लड़ाए जा रहे हैं और पेच पैदा किए जा रहे हैं, समझ नहीं आती किसी हालत। आप कह रहे हो कि विकास नहीं करवा रही, इन्होंने पार्किंग बनवा दी है, मल्टी स्टोरी पार्किंग बनवा दी है और बनवाने लग रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं? ऐसे है कि कितने पैसे की, कितने करोड़ों की जायदाद का सरकार के कुछ चूना लगा दिया, आपको पता है इस बात के लिए क्या आमदन आती है कॉरपोरेशन को वहाँ से, और मार्केट में पार्किंग की क्या व्यवस्था है, क्या पार्किंग की समस्या दूर होगी, क्या ट्रैफिक की समस्या दूर होगी, ये कहाँ पर समस्या हुई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो भ्रष्टाचार, तो इस पार्किंग में भी भ्रष्टाचार है, जिस एलिवेटेड ट्रैक में भी भ्रष्टाचार है, ये जो एलिवेटेड रोड बनी इसमें भी भ्रष्टाचार है, ये लोग तो सिर से लेके और पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त। तो फिर एलनाबाद चुनाव का क्या रहेगा जी बत्रा जी, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि हम विकास इतना करवा रहे हैं हम जीतेंगे।
नहीं, इलाहाबाद भाजपा तो कहीं भी स्टैंड नहीं करती है, मुकाबला कांग्रेस और आईआईए दिल्ली में रहेगा और पवन बेनीवाल जी ये चुनाव जीतेंगे। तो क्या आप लोग जा रहे हैं वहाँ, किस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है? ड्यूटियाँ लग रही है, उस हिसाब से हुड्डा साहब भी दौरा करके आए हैं, दीपेंद्र जी भी कल दौरा करने जाएंगे। जैसे 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 विधायकों की ड्यूटियाँ लगी हैं, सभी के सभी अपने काम करने के लिए वहाँ पर चुनाव में जा रहे हैं। तो भारत भूषण बत्रा जी रोहतक की जनता के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं यहाँ से, इन्होंने साफ तौर पर यह कहा है विकास के कितने ही दावे भारतीय जनता पार्टी करती हो लेकिन ये भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं कि इन्हें अपने जेबें भरने से फुर्सत नहीं है, इसलिए कोई विकास का काम रोहतक में नहीं हुआ है। और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कांग्रेस के समय में शुरू हुए थे, उनमें हो सकता है एक आधी ईट इन्होंने लगवाई हो लेकिन वो भी प्रोजेक्ट ज्यों के त्यों पड़े हैं। और वे इन सभी बातों को विधानसभा में भी उठाएंगे और प्रयास करेंगे कि जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान हो सके। तो भारत भूषण बत्रा जी से हमने बात की, रोहतक से विधायक, फिर किसी और शख्सियत जनप्रतिनिधि से हम बात करेंगे और उस क्षेत्र की समस्या के बारे में बात करके उनका निदान निकालने की कोशिश करेंगे। तो आज सिर्फ इतना ही, कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।